नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्यफल, मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। दोस्तों, हर दिन का हर एक ग्रह से अलग संबंध माना जाता है और उससे जुड़ा ज्योतिष उपाय करने से व्यक्ति के जीवन में आ रही कठिनाइयां दूर हो सकती है। ये उपाय मनुष्य की कुंडली में मौजूद ग्रहों की स्थिति को भी नियंत्रित कर सकारात्मक फल प्रदान करने में सहायक होते हैं। और आज इसी विषय पर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिष आचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और हमारे साथ आचार्य जी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपके मन में भी कोई सवाल या शंका है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। 0120-715-3787, 0120-715-3826। इन नंबर पर आप कॉल करिए, हमारे साथ जुड़िए। इस कार्यक्रम में जुड़कर आप अपनी समस्याओं का समाधान आचार्य जी से पूछ सकते हैं, क्योंकि हमेशा हमारी यही उम्मीद रहती है कि ज्यादा से ज्यादा कॉलर हमारे साथ जुड़े और इस कार्यक्रम का लाभ उठाएं, क्योंकि इस कार्यक्रम में ना सिर्फ आप अपने भविष्य को लेकर बात पूछ सकते हैं, भविष्य जान सकते हैं, बल्कि अपनी समस्याओं का समाधान भी आप जान सकते हैं। एक बार फिर से मैं आचार्य जी का स्वागत करना चाहूंगी हमारी इस खास पेशकश में, ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिष आचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। श्री राम, जय राम, जय राम, मेरे राम की जय हो। आचार्य जी, आज का विषय बहुत ही अलग और खास रखा गया है और विषय ये है कि एक ग्रह का संबंध अलग अलग जो दिन होता है उससे होता है। तो क्या ऐसे ग्रह हैं जो हमारे दिन पर भी असर डालते हैं, क्योंकि ज्योतिष के कुछ उपाय हैं जिनको करने से ये सब तो दूर हो जाता है, लेकिन ऐसा क्या किया जाए कि इनका असर भी कम हो और साथ ही ग्रहों की मजबूती भी इंसान के जीवन में दिखाई दे। जनश्री जी, हर दिन हर एक ग्रह के अलग संबंध माने जाते हैं, और ज्योतिषीय उपाय की बात करें तो जो भी जीवन में कठिनाई आती है उनको दूर करने में हमारे सकारात्मक प्रयास सफलता देते हैं। जैसे हम सोमवार के दिन की बात करें तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सोमवार का दिन चंद्रमा ग्रह से संबंधित माना गया है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति खराब है तो वह व्यक्ति अक्सर बीमार रहता है, जिसमें गठिया, आंखों की समस्या, सर्दी, जुकाम शामिल होते हैं। चंद्रमा के दोष को दूर करने के लिए सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल या दूध मिले हुए जल से अभिषेक करना चाहिए और इस दौरान महामृत्युंजय का जप करना चाहिए तो आपकी परेशानी दूर होती है। मंगलवार की बात करें तो देखिए, मंगल ग्रह कुरु यदि होता है तो इसका असर व्यक्ति पर बीमारियों का जनक माना गया मंगल को, और डिप्रेशन होना फिर या फिर टेंशन में आना या फिर कोई अलग प्रकार की बीमारी पैदा हो जाना, तो ऐसे में मंगलवार के दिन बजरंग बली की आराधना करें और गरीबों और जरूरतमंदों लोगों को, विशेष तौर पर गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए आप जो है ऊनी वस्त्र आदि दान करें। अब हम बुधवार की बात करते हैं, ये गणपति यानी गणेश जी का है बुध, और बुध यदि आपका नीच का है या खराब है या बुध की महादशा है तो आप बेसन के बने लड्डू या मूंग के बने लड्डू गणेश जी को चढ़ाएं। गुरुवार की बात करें तो बृहस्पति संबंध होता है तो पीले फल वस्तु जनेऊ आदि आप दान करें, ये ठीक रहता है। शुक्रवार की बात करें तो शुक्र ग्रह जब खराब होता है तो व्यक्ति का सुख समृद्धि कारक ग्रह माना गया है तो स्वागन महिलाओं को स्वाग की वस्तु दान करने से ठीक होता है। और शनिवार की बात करें तो आप देखिए, शनि तो आप जानते ही हैं कि कमजोर होने पर बहुत परेशान करता है, तो शिव जी को काले तिल अर्पण करें, खिचड़ी दान करें जरूरतमंद लोगों को, और इसके साथ उड़द की दाल वगैरह भी आप दे सकते हैं। अब हम बात करें रविवार की, देखिए रविवार सूर्य संबंध रखता है और इस दिन अक्षत लाल पुष्प मिश्री कुमकुम मिला करके जल में, और संभवतः रविवार के दिन ये आप जो है सूर्य को जल चढ़ाएं तो आपका रवि यानी सूर्य ठीक हो जाता है। तो इस प्रकार से बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो सदुर्भाग्य को दूर करने के लिए 7 दिन के लिए 7 ज्योतिषीय उपाय हैं जो व्यक्ति को विशेष लाभ देती है। जी
बिल्कुल, और इसी के साथ हम लगातार आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से ग्रहों पर एक ग्रह से भी अलग संबंध होता है हर दिन का, और हर दिन पर जो असर होता है वो अलग अलग तरीके से होता है अलग अलग ग्रहों का। इसी के साथ लगातार हमारे साथ कॉलर भी जुड़े हुए हैं आचार्य जी, एक एक करके उनका भी रुख करते हैं। पहला कॉलर जो हमारे साथ जुड़ रहा है, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। नमस्कार जी, मैं जयपुर से ओम प्रकाश बोल रहा हूँ। जी, गुरु जी के चरणों में शत शत नमन, गुरु जी के उपायों से मेरे को फायदा हुआ है। गुरु जी मैं ये निवेदन कर रहा हूँ, मेरा नाम है ओम प्रकाश, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 9/8/63, समय है 3:10 शाम का, और जन्म स्थान है जयपुर राजस्थान। गुरु जी मैं ये कह रहा था, एक मेरी बाइक थी जो मेरे बड़े भाई साहब के काफी सालों से पड़ी थी, उसको मैंने ठीक करा के चला रहा हूँ, तो 6 महीने में 3-4 बार एक्सीडेंट हो गया। तो गुरु जी ये बाइक मेरे को चलानी चाहिए या नहीं चलानी चाहिए, या इस बाइक का मैं क्या करूँ, या कोई उपाय है जिससे एक्सीडेंट न हो, कृपया ये बताएं गुरु जी। सबसे प्रथम तो आपको बहुत शुभ आशीर्वाद कि आपके हमारे यहाँ चैनल के द्वारा आपके मार्गदर्शन में हमारा सहयोग आपके लिए बहुत काम आ रहा है, और उसको आपने बिल्कुल संपूर्ण दर्शकों के समक्ष अपनी बात रखी, क्योंकि कई लोगों के काम होते हैं पर वो बात को रखते नहीं, वो ये देखते हैं कि काम हो गया अब क्या करना है, लेकिन आपने बात रखी, इसके लिए आप बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद के पात्र हैं। और बाइक की रहा सवाल, तो आपकी जन्म पत्री आपको बता दें, वृश्चिक लग्न की है, चंद्रमा की महादशा है, केतु का अंध्र है, बृहस्पति का प्रतंत्र है, गज केसरी योग आपको बना हुआ है, हंसराज योग आपको बना हुआ है, गज केसरी योग आपको बना हुआ है, और सूर्य और शुक्र जो है दोनों भाग्येश में आपके बैठे हुए हैं। तो आपको इस समय पुरानी बाइक ये जो चला रहे हैं इसे किसी को बेच देनी चाहिए, और नई बाइक जो लें उसके विषम संख्या में नंबर हो, जिसके नंबर बढ़ते हुए हो, 11 हो, 9 हो, 21 हो, जो भी विषम संख्या में हो, और पुरानी बाइक आप बेच दीजिए, नई बाइक लीजिए, आपको जय जयकार रहेगी, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। आज के बाद एक छोटा सा कार्य करना कि हर शनिवार को काले उड़द किसी गरीब को दो, या फिर काले तेल आप शिवलिंग पर चढ़ा के जल चढ़ाओ, आपका कभी एक्सीडेंट होगा ही। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं जी। तो अगले कॉलर का भी रुख करते हैं, अगला कॉलर जो हमारे साथ जुड़ रहा है, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। हेलो जी, आचार्य जी प्रणाम। आयुष्मान, मैं अर्चना बोल रही हूँ, मैं मेरी बेटी मेघा के बारे में पूछना चाह रही हूँ, जिसका जन्म 7 अगस्त 2005 शाम 5:15 हुआ है, स्थान सुजानगढ़ है। मैं 2024 में उसका भविष्य पूछ रही हूँ कि कैसा रहेगा 2024 उसके लिए। आपका बहुत मंगल शुभ आशीर्वाद है आपको, और आप अपनी बेटी का पूरे वर्ष का वर्ष फल जान रही हैं, इसके लिए आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। लोग तो एक दिन की बात करते हैं चंद्रशी जी, यहाँ तो पूरे साल भर के भविष्य को लोग पूछते हैं, और बड़े उत्साह के साथ, बड़े विश्वास के साथ वो देखते हैं कि पूरा साल भर जब पूछ लेंगे तो बड़ा आनंद होगा, और उसके मुताबिक यही चलेंगे, यही तो समझदारी है, इसके लिए आपको बहुत आशीर्वाद है। अर्चना जी, पूरी साल इस बच्ची की बहुत शानदार रहने वाली है, धनु लग्न में जन्म हुआ है, सूर्य की महादशा शनि का अंतर और शुक्र गुरु का प्रतंत्र है, और ये साल इनके लिए बहुत सुंदर रहने वाला है, लेकिन विशेष तौर पर गुस्सा ना करें, गाड़ी घोड़े खुद न चलाएं, और खान पान पर विशेष ध्यान रखें, क्योंकि मंगल नैसर्गिक पाप ग्रह इनका अंतर्निहित प्रवृत्तियों में कमजोरी लाता है, यानी कहीं ना कहीं नुकसान कर सकता है। मूल त्रिकोण का फायदा मंगल देगा, मूल त्रिकोण में स्वराशि का मंगल है, तो ये आप थोड़ा सा करें, अवश्य आपको भद्र योग बन रहा है, और ये सब करने से आपको निश्चित रूप से ठीक होगा कि मंगलवार के दिन गाय को रोटी दें, मसूर की दाल इस बच्ची के हाथ से अपने घर में जो भी स्वीपर आता है उसको दिलाएं, और बच्ची का 2024 बहुत अच्छा रहेगा, पढ़ाई के, स्वास्थ्य के, पारिवारिक हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा, बहुत मंगल शुभकामना आपके लिए। और इसी के साथ अगले कॉलर का भी रुख कर लेते हैं, अगला कॉलर जो हमारे साथ जुड़ रहा है, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। हेलो
पंडित जी प्रणाम। आयुष्मान श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम के। पंडित जी मैं अपने बच्चे के बारे में पूछना चाहता हूँ, दीपक के बारे में। हाँ दीपक के बारे में पूछिए, दो बहन भाई है वो। जी जी पंडित जी, 17/10/87 उसका जन्मदिन है जी। 17/10/87 हाँ 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 हाँ। आगरा का जन्म है, 2 से 2.5 के बीच में दिन में जी। पंडित जी उसको जॉब नहीं मिल रहा है, पंडित जी बहुत कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं, आपको जॉब, बच्चे को जॉब दिला देते हैं, आप क्यों चिंता कर रहे हैं। आप एक छोटा सा बताया वो उपाय करिए, आप बहुत प्रसन्न रहेंगे। अगली बार जब फोन करेंगे तो बहुत खुशी के साथ फोन करेंगे। तो आप थोड़ा चिंतन कर रहे हैं, सॉरी। ये बच्चे को हरी मूंग मंगलवार को भिगोने के लिए कहें और बुधवार के दिन सुबह यह हरी मूंग उबाल करके गाय को दें, अवश्य ठीक होगा और सब सामान्य रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। आप ये कीजिएगा जी। जी तो इसी के साथ अगले कॉलर का भी रुख कर लेते हैं। अगला कॉलर जो हमारे साथ जुड़ रहा है, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। हेलो जी, हेलो। अपनी टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए सर और अपना सवाल बताइए। हेलो हेलो, आपकी आवाज मिल पा रही है? ठीक है, अगले कॉलर का रुख करते हैं आचार्य जी। अगला कॉलर जो हमारे साथ जुड़ रहा है, अपना नाम और अपना सवाल बताइए जी। आराम से बोलिए आप। हेलो जी, गुरु जी प्रणाम। आयुष्मान श्री राम जय राम, जय जय राम। हाँ सत्यनारायण बूटा की धाम से। हाँ, हाँ, आपने जो बताया कि वो अपना सवाल बताइए सर। हाँ गुरु जी, वो जो आपने बताया था मक्की वगैरह, वो कितने दिन डालना है, वो ऐसा बहुत आता है। आप ये बताइए कि बताए गए उपाय से फायदा हुआ या नहीं? अभी फायदा तो अभी आप बोले फरवरी में काम चालू होगा, तो फिर आपको परेशानी क्यों करूं? तो फिर आप उसके लिए जौ, गेहूं, चना, मक्का, बाजरा, ज्वार, चावल 7 प्रकार का अनाज तांबे बर्तन में रख करके और सुबह पक्षियों डालना शुरू कर दीजिए, एकदम ठीक होगा और प्रभु के आशीर्वाद से अच्छा रहेगा। बहुत मंगल शुभकामनाएं आपके लिए जी। तो इसी के साथ अगले कॉलर का भी रुख कर लेते हैं। अगला कॉलर जो हमारे साथ जुड़ रहा है, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। हेलो जी, हाँ जी, अलवर राजस्थान से बोल रहे हैं। आपका नाम बताइए प्रभु। सविता मिश्रा जी, बच्चे के बारे में पूछना है जी। बहन बताइए। गुरुजी इसकी शादी कब तक होगी? रिश्ते आते हैं बहुत लेकिन बढ़ते नहीं है, और कोई साधारण लड़की आएगी? ये क्या सरकारी जॉब में है ये बच्चा? तो ये चाहता है कि कोई सरकारी लड़की आए। तो इसकी डेट ऑफ बर्थ है 11/7/96 सुबह 7 बजे का, अलवर राजस्थान। इतनी टेंशन में क्यों हो रही है? अभी 96 का जन्म है तो हो जाएगी। अब गुरुजी रिश्ते इतने आते हैं तो थोड़ा सा ऐसा ही होता है। देखिए बहन, इनकी शादी की बात करें तो बहुत जल्द इनकी शादी तय होगी और 17 अप्रैल के बाद जाकर के तय होना संभव होता है। और एक खुशहाल परिवार की बच्ची, आपके माहौल में ढलने वाली बच्ची आपको प्राप्त होगी। आप कृपा करके इनसे हर मंगलवार के दिन सुंदरकांड के पाठ करने के लिए कहें और साथ में चमेली के तेल का दीपक जला के फिर करें, और हनुमान जी को गुड़ और भुने हुए चने तुलसी डाल करके चढ़ाने के लिए कहें, अवश्य एकदम ठीक रहेगा। बहुत मंगल शुभकामनाएं जी। और इसी के साथ आचार्य जी वक्त हो गया है राशिफल का, एक नजर राशिफल पर भी डाल लेते हैं।
तो आइए हम बात कर रहे हैं चंद्रश्री जी मेष राशि से। आज कर्मचारियों को आकर्षित करने के लिए आप नए कार्यक्रम शुरू करने का प्रोग्राम बनाएंगे। आपको अपनी संतान के भविष्य के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने होंगे। मौद्रिक स्थिति आपके निवेश चयन का मार्गदर्शन करेगी। आज का लकी नंबर 26 है। आज का लकी रंग चॉकलेट है। आज उपाय की बात करें तो गणेश जी का स्मरण करके घर से निकलें, विघ्न खत्म होंगे। और अब इसी क्रम में अगली राशि का रुख करते हैं, वृषभ राशि वाले लोगों के। आज परिवार के सदस्यों के प्रति आपकी उदार और ईमानदारी सराहना उत्साह बढ़ाएगी। एक कुशल घरेलू माहौल का मार्ग प्रशस्त होगा। अनावश्यक वित्तीय लाभ की उम्मीद करने वाले लोगों को मना करने में असमर्थता केवल आप पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डालेगी। आज का लकी नंबर 12 रहेगा। आज का लकी रंग गहरा बलु ग्रह रहेगा। घर से निकलते समय गाय को हरा चारा खिलाकर निकलें, आपका सभी कार्य बनेंगे। और बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले संघ। आज आपको शांत और सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आज के दिन घर में माहौल खराब हो सकता है। आर्थिक और व्यवसायिक स्थितियां काफी बेहतर होने के संकेत दिखाई देते हैं। परीक्षा के समय आपका लव पार्टनर आपको सहयोग प्रदान करेगा। मानसिक सतर्कता आपको किसी पेचीदा समस्या को सुलझाने में सक्षम बनाएगी। आप दोस्तों के साथ पिछले मतभेदों को सुलझाने के लिए कड़ी मेहनत करें। आज का लकी नंबर 19 रहेगा। आज का लकी रंग हरा रहेगा। मूली का दान करें, आपके व्यापार में प्रगति होगी। पर भाई हम बात करते हैं कर्क राशि वाले। आज विशेष रूप से पारिवारिक जीवन में एक उत्कृष्ट लय कायम करेगा। आर्थिक सार्थक आनंददायक रहेगा। आज कई आकर्षक निवेश प्रस्ताव आपके सामने आ सकते हैं। अपने प्यार को नजरअंदाज करने से अफेयर में समस्या पैदा होगी। आज का लकी नंबर 5 है और लकी रंग हल्का पीला रहेगा। दूध डालकर स्नान करें, मन को शांति मिलेगी। और अब बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले लोग। आज माता पिता के साथ समय बिताने से उनको अकेलेपन से मुक्ति मिलेगी और अवसाद से जूझ रहे लोगों को आराम मिलेगा। आज किसी भी तरह के जोखिम भरे निवेश से बचने की जरूरत है। सकारात्मक मानसिकता के साथ आप हर चीज को रोमांटिक बनाने की योग्यता रखते हैं। आज का लकी नंबर 2 रहेगा। लाल रंग रहेगा। सूर्य को अर्घ देकर घर से निकले, साथ में शिव जी का अभिषेक कर लें, अति उत्तम रहे। बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले लोग। आज अगर आप निजी जीवन से ध्यान हटाकर परिवार की ओर लगा दें तो आप अपनी घरेलू खुशियों में बड़ा योगदान दे पाएंगे। आपको कोई बड़ा वित्तीय निवेश करने से पहले फायदे और नुकसान पर सावधानी से विचार करना चाहिए। आप अपने साथी की कंपनी का आनंद लेने के लिए रोमांटिक रिश्तों का मजा फिर से हासिल कर सकते हैं। आज का लकी नंबर 28 है और लकी रंग हल्का हरा है। आज माता पिता बुजुर्गों का पैर छूने के साथ ही अपना काम शुरू करें। और अब बात कर रहे हैं तुला राशि वाले लोगों। आज जहां तक संभव हो तो निजी समस्याओं को पारिवारिक जीवन के आड़े ना आने। अब अपने वर्तमान मौद्रिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालिक वित्तीय प्रतिबद्धताएं बनाए सकते हैं। लकी नंबर 21 रहेगा। आज का लकी रंग फिरोज रहेगा। आज राम रक्षा स्त्रोत का पाठ करके अपना कार्य शुरू करें। और अब इसी क्रम में वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए बात करें।
आज बहन का स्नेह आपके लिए अद्भुत काम आएगा, क्योंकि आप अपने गुस्से पर नियंत्रण रखने में आज सफल रहेंगे। व्यक्तिगत आर्थिक स्थिति बेहतर दिख रही है। आपका प्रिय साथी जरूरत के समय बिना देर किए मदद कर सकता है। आज का लकी नंबर 8 है। लकी रंग बैंगनी रहेगा। आज आप गणेश जी को दुर्वा अर्पित कर 5 बत्ती वाले दीपक जला करके कार्य पर जाएं, खुशी और प्रसन्नता मिलेगी। और अब बात कर रहे हैं धनु राशि वाले लोग। आज बच्चों के साथ समय बिताने से आपको खुशी महसूस होगी। घर में प्रसन्नता का माहौल रहेगा। धन के निरंतर प्रभाव से अत्यधिक आत्मविश्वास मिलने की संभावना है। आज का लकी नंबर 18 है। आज का लकी रंग गहरा पीला है। व्यापार में प्रगति के लिए घर से निकलते ही जब कोई सफाई कर्मी झाड़ू लगाता मिले तो उसे चाय या कुछ खाने को जरूर दें। बात कर रहे हैं मकर राशि वाले लोगों के। आज अच्छे मानवीय मूल्यों, सौहार्दपूर्ण हृदय और दूसरों को मार्गदर्शन करने की सहज इच्छा आपकी होगी। समय पर कार्रवाई से आपको मौद्रिक स्थिति में काफी सुधार होगा। आज का लकी नंबर 3 रहेगा और आज का लकी रंग आसमान नीला रहेगा। पार्टनरशिप में कोई परेशानी ना आए इसके लिए आपकी पीठ मीठा जल पीपल पर चढ़ा करके निकले। और अब बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले सभी दर्शक। आज कुंभ राशि के सभी जातकों को विशेष तौर पर व्यापार में प्रगति होती है और परिवार के सदस्यों के साथ किसी ऐतिहासिक स्मारक की छोटी लेकिन अच्छी आनंददायक यात्रा की योजना बनाएंगे। व्यवसाय वित्तीय स्थिति को प्रभावित करते हुए ऊपर की ओर बढ़ाएगा। आज का लकी नंबर 17 है। आज का लकी रंग गहरा ग्रे। आज आपको मंदिर के दर्शन करने जरूर जाना चाहिए। आराबाई बात कर रहे हैं मीन राशि वाले सभी दर्शक। आज किसी दूर से रिश्तेदार से आया अप्रत्याशित संदेश पूरे परिवार के लिए अच्छी खबर देगा। वित्तीय योजनाओं को आगे बढ़ाने का ये उपयुक्त समय है। सुनिश्चित करें कि आप अपने साथी की निष्ठा पर संदेह ना करें। संत से दिव्य ज्ञान मिल सकता है। आज आपको धार्मिक चर्चा में जाने का मौका मिलेगा। लकी नंबर 11 है। आज का लकी रंग पीला है। घर से निकलते समय प्रभु का मंगल श्लोक मन में कहते हुए निकलें। रास्ते के सभी विघ्न आज खत्म होंगे। इस प्रकार से यह है आज का हमारा अपना राशिफल। बिल्कुल। तो आज का दिन कैसा जाने वाला है, क्या कुछ खास रहने वाला है, ये सभी को पता चल गया होगा आज के इस हमारे खास कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। सुप्रभात, शुभ आशीर्वाद, श्री राम, जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। तो उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह आज का कार्यक्रम भी आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके से आप हमारे कार्यक्रम को प्यार देते रहिए और देखते रहिए भाग्यफल। अभी के लिए फिलहाल नमस्कार।